नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के 140th एपिसोड में। आज हम आपको ले चलेंगे लोनावाला के करीब एक मंदिर में, जिसका नाम है आई एकवेरा मंदिर, और उसी के पास स्थित कारला केव्स में। पहुंचने के लिए मुंबई का एयरपोर्ट हो सकता है या पुणे का एयरपोर्ट सबसे नियरेस्ट है वहाँ पर पहुँचने के लिए। और लोनावाला पहुँचने के बाद मुंबई से लगभग 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर ये जगह स्थित है। तो आई एकवेरा मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। ऊपर तक चढ़ने के लिए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, और सीढ़ियों में चढ़ना इतना आसान नहीं होता, फिर भी ऊपर सीढ़ियों से जाकर मंदिर तक आराम से पहुंचा जा सकता है। आई एक वर मंदिर को एक बार माता को प्रणाम करके आगे देखते हैं। मंदिर जाने का रास्ता है, इसी के सामने है फेमस कारला केव्स। कारला केव्स जाने का रास्ता, यहाँ भी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, तो सीढ़ियाँ तो लगता है बहुत ऊपर तक चढ़नी पड़ेगी मंदिर तक पहुँचने के लिए। कारला केव्स और आई एक वीरा माता का मंदिर है, देखते हैं। एक वीरा माता मंदिर के सामने केव्स हैं, तो कारला केव्स, और ये इम्पोर्टेंट केव्स हैं। केव्स के टिकट्स हैं, टिकट लेकर के फिर केव्स में जाना पड़ता है। तो वो एक वीरा मंदिर इधर है और केव्स का रास्ता दूसरी तरफ से सामने से है। तो सबसे पहले तो आपको एक वीरा मंदिर दिखाते हैं। ये है आई एक वीरा मंदिर, और ये है मंदिर में जाने का क्यू। आई एक वीरा मंदिर और एक वीरा मंदिर में जाने का ये लंबा क्यू है। तो और यहाँ से सामने ही केव्स है, तो माता को दूर से प्रणाम करके फिर जाते हैं केव्स की तरफ। कारला केव्स, तो ये कारला केव्स है, केव्स के अंदर देखते हैं। अभी पुराने जमाने की केव्स हैं, तो एक बार देखते हैं अंदर। आई एक वीरा का जो ये मंदिर है, ये माता रेणुका का मंदिर माना जाता है, और अन्य माताओं के मंदिर की तरह 500 सीढ़ियां हैं लगभग यहाँ तक पहुँचने के लिए। जो कोली जाति के लोग हैं, उनके कुल देवी के रूप में माता यहाँ पर प्रतिष्ठित है। और इसी के सामने कारला के केव्स है, ये बुद्धिस्ट लोगों का एक टेम्पल है। और कारला केव में जो फेस्टिवल मनाया जाता है, वो कोली वंश का अपने कोली जाति के अपने फेस्टिवल के रूप में भी मनाया जाता है। और बुद्धिज़्म के जो अलग अलग रूप हमने अलग अलग जगह पर देखे हैं, जैसे शिलालेख हैं या इंस्क्रिप्शंस हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और यहाँ पर मैंने जैसा देखा है कि इस जगह पर बुद्धिस्ट स्तूप जैसी कोई छोटी छोटी सी चीज़ अंदर पड़ी हुई है, तो ये भी आपको अंदर दिखाएंगे कारला केव्स में लोनावाला के पास। अब कारला केव्स की बात करते हैं। जो कारला केव्स है, इसका जो ओरिजिन माना जाता है, ये लगभग 2nd सेंचुरी BC से 5th सेंचुरी BC से 2nd सेंचुरी BC के बीच में है। और इसको सबसे पुराने श्राइन, केव श्राइन की तरफ से अगर देखें, तो 160 BC में इसको केव श्राइन की तरह यूज़ किया जाता रहा था। तो अरेबियन सी से जितने सारे ट्रेड हुआ करते थे, ट्रेडर्स भी इस जगह पर आकर के रुका करते थे। और जहाँ तक बुद्धिस्ट साइट की बात है, ये अपने ग्रैंड चैत्या के लिए, जो केव नंबर 8 में है, चैत्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये महासांघिक जो सेक्ट होता है बुद्धिज़्म का, उसका एक प्रार्थना स्थल था। और बहुत सारे राजाओं ने इसको यहाँ पर इसके पुनरुद्धान के लिए या इसके फर्दर कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे राजाओं ने मदद भी की थी। तो ये लगभग, अगर बात करें तो इस ग्रुप में लगभग 16 केव्स हैं। और महायान परंपरा के अनुसार बुद्धिज्म की
को प्रैक्टिस किया जाता था इन केव्स में। और 2nd century BC में इस जगह का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था जब लोकल रूलर्स उस समय यहाँ पर इसको सपोर्ट दे रहे थे, या लोकल लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे थे इस समय इस जगह पे अपने धर्म और प्रार्थना करने के लिए। बाद में बुद्धिज़्म द्वारा इन चीज़ों को ले लिया गया। जो चैत्य केव है, ये चैत्य की जो विशिष्ट केव की पद्धति है बनाने की, वो इंडिया का ये लार्जेस्ट है। और जो मेन केव है इसका 45 मीटर के आसपास है, 14 मीटर चौड़ाई में है। और इसके अंदर जो स्कल्पचर्स है, लायंस और एलिफेंट के स्कल्पचर बहुत अच्छे से इसके अंदर देखे जा सकते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात इन केव्स की है कि इतने पुराने होने के बावजूद ये आज के ज़माने के चर्चेस से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। अगर आप देखिए तो ये पूरा स्ट्रक्चर कुछ कुछ चर्च की तरह दिखता है, और ये बुद्धिस्ट प्रेयर का साइट है, और उसके सामने ही माता एकवीरा का मंदिर है। तो ये चीज़ें मिला करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चढ़ने के लिए थोड़ी सीढ़ियाँ ज़रूर हैं, लेकिन ऊपर पढ़कर केव्स का इम्पोर्टेंस पता चलता है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट करके रखा है। तो एक बार दर्शन करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लोनावाला, पुणे या बॉम्बे जब जाएं तो इसका भी एक चक्कर यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर इन चीज़ों में इंटरेस्ट हो तो। आइए एक नज़र मारते हैं, देखते हैं इन केवों को और केव्स को और अच्छी तरीके से। इसकी तीन खास बातें हैं। सबसे महत्वपूर्ण की जो डिज़ाइन है, ये बिल्कुल आजकल के चर्च की तरह मिलता है। दूसरी चीज़ कि एनिमल्स और हाथी, खास तौर पे हाथी और लायन, इसके स्कल्पचर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और ये एंशियंट होने के साथ साथ रिलीजियस साइट भी है। देखिए एक नज़र मारते हैं इसके ऊपर। केव्स के फर्स्ट फ्लोर पे छोटे छोटे से बनाई स्लिपरी है, इसी तरह कुछ पकड़ने का इंतजाम नहीं है। यहाँ पर पानी के कारण, बारिश के कारण इसके अंदर पूरा बारिश गिरता है। इतने सारे केव्स देखते हैं, इसमें देखिए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर पानी गिर रहा है। छोटे छोटे से केव्स हैं ऊपर जैसे अभी, और ये बहुत पुरानी केव्स है, स्लिपरी भी है, तो बहुत ही केयरफुली इसके अंदर जाना पड़ता है। का केव है, ये बुद्ध स्तूप है प्रैक्टिकली, तो ये बुद्ध धर्म के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है, और ये प्रार्थना की जगह है, और एक तरह का जैसे बौद्ध मंदिर कहते हैं वो बिल्कुल इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन इसमें अलग अलग तरह की नक्काशी की गई है और किसी लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपको दिखाते हैं। ये इसके अंदर मुझे लगता है कि अलग अलग जो बौद्ध धर्म के उपदेशों को अलग अलग जगह पर मैंने पहले भी दिखाया है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं जो मोस्टली पाली में होंगी, पाली लैंग्वेज में, लेकिन ये इस लैंग्वेज में यहाँ पर इसको निकाला गया है, पाली में होंगी। ये हैं केव्स, कार्ला केव, पुराने ज़माने का यहाँ पे
आग जलाए जाने के निशान हैं इस केव्स के अंदर, और इस केव्स को और ऊपर जाने की सीढ़ियां हैं, अभी ऊपर भी जाएंगे कारला केव्स में। तो सबसे पहले जो हम यहाँ देखते हैं, केव के अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स बने हैं, और ये जो पुराने ज़माने की मूर्तियाँ हैं, वो बहुत पुरानी मूर्तियाँ भी इस केव्स के अंदर हैं, जो टूट गई है, बट ये केव्स बहुत इम्पोर्टेंट है। इस जगह आपको एंशियंट स्कल्पचर्स भी मिल जाएंगे और पाली भाषा में लिखे हुए बुद्ध का जो ज्ञान है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। माता एकवीरा का दर्शन भी हो जाएगा यहाँ पर, और पहाड़ों का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। माता एकवीरा की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं अगले बार किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, एंजॉय वेल, Stay well, keep safe, bye bye, take care.